नीतियों के खिलाफ बुधवार को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के चलते इंदौर शहर के अधिकतर बैंक बंद रहे। वहीं हड़ताल के समर्थन में बैंक, बीमा, रेलवे सहित आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी शामिल हुई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ की जा रही देशव्यापी हड़ताल को उज्जैन में समर्थन मिला। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता टावर चौराहे पर पहुंचे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैंक कर्मचारियों के साथ रेलवे, बीमा, आंगनबाड़ी, एमपीईबी, एलआईसी, बीएसएनएल सहित कई यूनियन ने समर्थन कर टावर चौराहे पर प्रदर्शन किया। उसको वापस लिया जाए, हमारी मांगे हैं जो न्यूनतम वेतन है हमारा 21,000 किया जाए। हमारी आज की मांगे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायक सब यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, जो हमसे अन्य कार्य विभागों में लिया जा रहा है, जैसे खाद्य विभाग में, अन्य विभागों में हमसे वो बिल्कुल हमसे खत्म करवा जाए। और जो बिचारी कार्यकर्ता है, जो सहायिका है, जो 62 साल की हो गई है, जो घर पे बैठी है, उनकी पेंशन योजना भी शुरू की जाए। आज हमारा इसका यही है कि हड़ताल करने का उद्देश्य यही है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमारे जो ऊपर जो इतना भार है उसको कम किया जाए और श्रम संशोधन कानून जो अभी उसमें जो हुआ है उसको वापस किया जाए। हम लोग ये काम नहीं करेंगे बिल्कुल, और हम सब लोग एक हैं। और आज 200-250 कार्यकर्ता और सहायिका सब यहाँ एकत्रित हुई हैं और अपनी मांगे पूरी करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम नाजायज काम कुछ भी नहीं करेंगे। और जो हमारा वेतन जो 11,500 किया था, वो 10,000 कर दिया, उसको काटा गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारी चालू करी थी, हमारा मानदेय में कटौती क्यों की गई? ठीक है, ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। हम उज्जैन शहर के कार्यकर्ता हैं, कम से कम 150-200 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। हमने आज हड़ताल इसलिए बिठाई है कि हमारा वेतन बहुत कम है, वेतन बढ़ाया जाए और छोटे छोटे काम जो हमें बुलाया जाता है वो काम हमारे नहीं दिया जाए। ऐसी जैसे जो काम है हम बिल्कुल करने को तैयार है, लेकिन जो राशन कार्ड वगैरह ये ब्योलो हमें जगह जगह बुलाते हैं, हम बहनों को हमारा वो काम में हमें पाबंदी लगाया जाए। आज हड़ताल हमने यही रखी, मेन मुद्दा यही हमारा हड़ताल का कि ज्यादा सहायिका और कार्यकर्ताओं के बहनों के पैसे बढ़ाए जाए। रखी गई है वो सरकार के श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध रखी गई है। सरकार द्वारा ये रोजगार छीने जा रहे हैं, बैंकों का विलीनीकरण और बहुत सारे डिपार्टमेंटों में वीआरएस दिया जा रहा है, जैसे अभी बीएसएनएल में दिया गया, काफ़ी आधे से ज़्यादा लोग निकल गए। मतलब एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? हमारी मुख्य मांग है कि भाई रोजगार दिया जाए, मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन है वो 21,000 किया जाए, न्यूनतम पेंशन 10,000 की जाए। आज 300-300 रुपये, 500-500 रुपये, तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा, बैंकों का विलीकरण किया जा रहा। अब विलीकरण करने से क्या होता, बैंकों की संख्याएं कम होती, संख्या कम होने से छटनी होगी, तो नए रोजगार पैदा होने के बजाय और कम हो रहे। तो और श्रम विरोधी नीति, हमारे जो अधिकार है उसमें कुठाराघात किया जाता है, हमारे को बहुत सारे बैन लगाए जाते हैं, हम इसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। ये एक जो केंद्र शासन की निजीकरण और विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन है उसके खिलाफ आज जो है एक दिवसीय बहिष्कार है ऑल इंडिया पावर फेडरेशन इंजीनियर के तत्वाधान में। पूरा देशव्यापी आज बहिष्कार कर रहे हैं पावर इंजीनियर। बस सभी लोग उपस्थित हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं।